तो आज की कहानी की शुरुआत होती है चकवाल से, लेजीपन के साथ। ओके, तो सफर स्टार्ट हो चुका है। अभी 4 घंटे का यहाँ से फैसलाबाद का सफर है, फिर वहाँ से आई थिंक 18 घंटे का सफर और होगा। अब मसला ये कराची में तो ये था कि हम लोग डायरेक्ट ट्रेन में बैठे थे तो इतनी थकान नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हम पहले थक के फिर ट्रेन में बैठेंगे तो थोड़ा सफर आई डोंट नो दिखा जाएगा। लेजीपन के साथ सफ़र की शुरुआत आराम से हो जाती है। हम ऐप में देखते रहते हैं कि भाई अब ट्रेन चलेगी, अब ट्रेन चलेगी, अब ट्रेन चलेगी, पर ट्रेन चलती ही नहीं है। इतने में हम लोग फैसलाबाद पहुंच जाते हैं और स्टेशन भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रेन अभी तक नहीं चली। अब आगे क्या करें भाई। मुझे ट्रेन ही आनी है, लेकिन अभी डिले दिखाया जा रहा है कि अभी तक क्या नाम है लाहौर से चली नहीं है। करने का कुछ नहीं है, वेट करेंगे। एक घंटे का डिले है, 1 आवर 1 मिनट डिले। नहीं चली अभी ट्रेन, 1 घंटा भी डिले दिखा रही है, लेकिन जब ट्रेन लाहौर से चली थी तो तकरीबन 1.5-2 घंटे लेट चली थी। स्टेशन पे वेट करने के बजाय हम लोगों ने इश्तेजार के घर जाने का फैसला किया। हम वहाँ चले गए, उसके बाद जब ट्रेन आने में 1/2 घंटा था तब हम लोग स्टेशन की तरफ निकल गए। कराची पहुंच गए फाइनली, बस रेलवे स्टेशन से बाहर निकल ले। गाड़ी ज़्यादा नहीं, 2 घंटे लेट थी। घंटे ट्रेन लेट थी वो इस वजह से क्योंकि जब लाहौर से ट्रेन चली थी तो 10 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन ख़राब हो गई थी, इंजन चेंज हुआ था। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने एक अंकल से पता किया था, उनका यही कहना था, बाकी अल्लाह मालिक है। उनका कहना है 10 किलोमीटर बाद चलने के बाद ख़राब हो गई थी, जबकि अगर हम ऐप में देखेंगे तो ऐप में दिखा रहा था कि वो स्टेशन से चली ही नहीं है। ये ऐसे होते हैं लोग, इनको मैसेज कर रहा हूँ ऑनलाइन में, सीन भी नहीं कर रहे, ये दोस्त हैं। अभी के लिए इस वक्त तकरीबन जब मैं इसको मैसेज कर रहा था तो तकरीबन कुछ 11:30 का टाइम हो रहा था और मैं घर आ जाया था 1:15 बज गया था और 12:45 बजे तक गेट के बाहर खड़े होकर बैले बजा रहा था और मेरे इंतजार करे जा रहे हैं और हम गाड़ी में चिल होकर आराम से रस्ते में हैं। जब आपके पास बहुत फारिग टाइम हो, कोई आ रहा हो 12:30 बजे और आप 11:30 बजे उसका वेट करो, जहाँ तक उसने स्नैप खोल के सेल्फी लेना शुरू कर दो, क्योंकि असली कैमरे में तुम्हारी शक्ल बहुत बदसूरत आती है। अभी बैग पर पेट्रोल डलवाया और अभी हम लोग दही लेने के लिए आए हैं।
अभी जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है ना वो है मिट्टी। ये हर जगह जो ज़रा सी भी मिट्टी है ना वो चीज़ बहुत उलझन कर रही है। यार आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। कुछ मिस्टेक निकली हो तो बता देना यार कमेंट में, मेहरबानी होगी ताकि मैं कॉन्टेंट को अच्छा कर पाऊँ। और यार सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया तो, यार क्या कर रहे हो। और अगर वीडियो को पसंद आई है तो यार शेयर भी कर दो, थोड़ा सा काम है यार कर दो, फ्री में होता है। छप्पर बंद सारे मुनकर कर दो बंकर बंद, हाथ में फन राख सोना जैसे शक्करकंज, कंकर फेंकता शैतानों पे तुम कह लो खुदकुश, मैं आजाद सरफरोशी दिल में और मैं सरकश।